न्यूज़ मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है बॉलीवुड गॉसिप। अब दोस्तों आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज ये हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप है, तो आज मैं आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम मजेदार गॉसिप से रूबरू करवाने वाली हूँ। और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बारे में और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का प्यार एक वक्त पर खूब आसमान छू रहा था, तो वहीं इन दोनों की शादी की खबरें भी खूब आसमान छू रही थी। लेकिन आपको बता दें कि कहते हैं ना, कभी कभी प्यार अधूरा ही रह जाता है, और इन दोनों का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। इन दोनों के बीच में प्यार तो काफी था, लेकिन मनमुटाव के चलते इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप का फैसला किया और अब ये दोनों अलग हो गए हैं। जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू हैं, अभिषेक बच्चन की पत्नी हैं और बेहद खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारे सलमान खान अभी तक कुंवारे ही रह गए। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान के सामने ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने काफी जमकर डांस किया है, और ये डांस किया है ईशा अंबानी की संगीत सेरेमनी में। इस सेरेमनी में बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे मौजूद हुए थे, और इसी सेरेमनी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक तरफ सलमान खान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ काफी क्यूटली डांस कर रही है। और सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जब एक ही छत के नीचे ये दोनों एक्स कपल यानी कि ऐश्वर्या और सलमान मिले, तो इन दोनों ने एक दूसरे के सामने काफी जबरदस्त ठुमके लगाए हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास है हमारी इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है, और हाल ही में देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी की शादी का जश्न भी शुरू हो चुका है। उदयपुर के होटल उदय विलास में चल रहे इस जश्न में रविवार को बी टाउन के काफी सारे सितारों ने महफिल सजाई। ऐसे में सोशल मीडिया पर इन बॉलीवुड सितारों की कई सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत सेरेमनी के दौरान ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ सलमान खान के सामने जमकर डांस किया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की एक तस्वीर और वीडियो दोनों ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जहां पर ये दोनों माँ बेटी खूब जबरदस्त डांस करती हुई दिखाई दी हैं, और इस संगीत सेरेमनी में सलमान खान भी शामिल हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड इस संगीत सेरेमनी में शामिल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सारी लाइमलाइट सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और आराध्या बच्चन ले गए। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान की लव स्टोरी के चर्चे दूर दूर तक हैं। अब भले ही इन दोनों की राहें अलग हो गई हो, लेकिन आज भी जब एक ही छत के नीचे इन दोनों को देखा जाता है, तो फिर से इन दोनों को लेकर खबरें बनने लगती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ ईशा अंबानी की संगीत सेरेमनी में, जहां एक ही छत के नीचे सलमान खान भी मौजूद थे और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या के साथ काफी क्यूट अंदाज में डांस किया, और उसी छत के नीचे सलमान खान भी मौजूद थे, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर ऐसा फैंस का कहना है कि भाई एक ही छत के नीचे ऐश्वर्या और आराध्या दोनों माँ बेटी ने सलमान खान के सामने खूब जमकर डांस किया है। आपको बता दें कि इस इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ भी डांस किया था। गाने तेरे बिना पर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। काफी समय बाद ऐश्वर्या यूं अभिषेक के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सलमान खान का भी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ईशा के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से सामने आए इस वीडियो में सलमान खान मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट के साथ कुछ कुछ होता है के गाने कोई मिल गया पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में सलमान के साथ अंबानी फैमिली के काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और सलमान खान एक बैकग्राउंड डांसर की तरह डांस करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि इस पार्टी में
बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या, प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची, लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिसने बटोरी वो थी ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान ने। दरअसल सलमान खान की जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाने लगा कि भाई सलमान खान ने ऐश्वर्या के सामने जबरदस्त डांस किया है, तो वहीं ऐश्वर्या ने भी अपने पति और अपनी बेटी आराध्या के साथ सलमान खान के सामने एक ही छत के नीचे खूब जबरदस्त ठुमके लगाए हैं। वहीं अगर बात की जाए सलमान और ऐश्वर्या की अधूरी प्रेम कहानी की, तो आपको बता दें सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूले जाने वाली कहानी है। जो सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे, वो आशिकी के आगे सब कुछ भूल गए थे। ये कहानी है एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत की, जो प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिश्ते को सलमान खान ने खो दिया। हम आपको बता रहे हैं ऐसी प्रेम कहानी जो रह गई है अधूरी। जी हाँ, सलमान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी साल 1997 में शुरू हुई। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोमी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों की माने तो सलमान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सलमान की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी और सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश्वर्या राय के लिए धड़कने लगा, ये खुद सलमान खान को भी नहीं पता चला। वहीं अगर खबरों की माने तो एक इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया है। सोमी इतना आहत हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गई थी। इसी के साथ आपको बता दें, खबरों की माने तो मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार मिला था। वही आपको बता दें कि कहते हैं सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का जिम्मा भी उठाया था और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी लगाना शुरू किया था। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी हिट फिल्म मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ऐश को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे इनकी असली मोहब्बत छुपी हुई थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगी, वो उनके परिवार वालों के भी काफी ज्यादा करीब आने लगी। इसी के साथ बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या राय को भाभी कहकर बुलाते थे। खबरों की माने तो ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि सलमान खान का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो ऐश्वर्या को कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठाते थे, और इसी वजह से धीरे धीरे ऐश्वर्या ने सलमान खान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और ऐश्वर्या ने सलमान के प्यार में यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो अलग रहने लग गई थी, लेकिन जिस तरीके से सलमान ने ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाना शुरू किया, वैसे वैसे ही सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूटता चला गया। और अब भले ही ये दोनों साथ में ना हो, लेकिन आज भी इन दोनों के प्यार के चर्चे खूब आसमान छूते रहते हैं। अब ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बन चुकी हैं, अभिषेक बच्चन की पत्नी हैं और एक माँ भी हैं। वहीं सलमान खान आज तक कुंवारे हैं, और ऐसे में जब सलमान और ऐश्वर्या को एक ही छत के नीचे फैंस देखते हैं, फैंस को इन दोनों की लव स्टोरी एक बार फिर से याद आ जाती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब सलमान और ऐश्वर्या को फैंस एक साथ देखने के लिए तड़पते रहते थे, और जब अंबानी की पार्टी में ऐश्वर्या ने डांस किया सलमान के सामने, तो हर कोई सोशल मीडिया पर यही कह रहा है कि भाई अपने पति अभिषेक के साथ भी जबरदस्त डांस किया, और साथ ही साथ ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या के साथ भी खूब जबरदस्त ठुमके लगाए हैं। वहीं सलमान खान भी डांस के मामले में पीछे नहीं रहे, उन्होंने अंबानी पार्टी में चार चांद लगाए और स्टेज पर खूब धूम मचाई।
दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से उदयपुर में हुई ईशा अंबानी की संगीत सेरेमनी में पूरे बॉलीवुड ने धमाका किया, जहां शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना, प्रियंका, निक जोनस, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ये सारे मौजूद हुए। तो वहीं सलमान खान और ऐश्वर्या राय का डांस काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जहां एक तरफ ऐश्वर्या ने स्टेज पर अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ डांस किया, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या के साथ डांस करती हुई नजर आई। तो वहीं सलमान खान ने एसआरके के गाने कुछ कुछ होता है और कोई मिल गया पर भी डांस किया। तो वहीं जो तस्वीर सामने आई ऐश्वर्या और आराध्या की, उससे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एक ही छत के नीचे किस तरीके से ऐश्वर्या और आराध्या ने सलमान खान के सामने कितना जबरदस्त डांस किया है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का फिलहाल के लिए यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना हो, ये एक बार फिर लौटूंगी बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही कुछ और मजेदार गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की और भी चटपटी हॉट स्पाइसी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।